इंडियन डायस्पोरा सेंटर वाराणसी द्वारा विश्व प्रवासी भारतीय महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें कई देशों के प्रतिनिधिमंडल ने हिस्सा लिया। और मालूम पड़ा मुझे, और वो मालूम ऐसे पड़ा कि जितने मुल्क हैं, मॉरिशस है, विकी है, ट्रिनिडाड टोबैगो है, सुरीनाम है, गयाना है, और जितने मुल्क हैं वो सारे 30 यूपी और बिहार से गए हुए हमारे भारत के लोग थे, जिनको एज इंडेंचर लेबर बोरे ले गए थे। मॉरिशस के उच्चायुक्त जगदीप गोवर्धन ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, मॉरिशस को ऐसा बनाया कि न गांव है न शहर, सब एक बना। देखो मॉरिशस को कैसा, हम लोग चाहते हैं जब मॉरिशस गांव शहर से बेहतर हो गया है तो यूपी बिहार क्यों पूछे। यूपी बिहार को आगे आना है। क्यों मॉरिशस में हम लोग आगे बढ़े कि हम लोग अपनी माँ की इज्जत किया। मैं 3 माँ के बारे में बोलता हूँ। एक अपनी माँ जो जन्म दिया, दूध पिलाया, बड़ा किया, संस्कृति सभ्यता से, और दूसरी माँ है जो अपनी मातृभाषा। कोई भाषा उत्तम नहीं सकता है अपनी मातृभाषा से। मातृ ही भाषा से अपनी संस्कृति होता, आपका पहचान, आपका आइडेंटिटी, आपका इज्जत अपनी मातृभाषा से, दूसरी भाषा से इज्जत नहीं हो सकता। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग, ये भाषा हो या कुछ भी हो, मैं चाहता हूँ आप लोग अपनी मौका मिल रहा है आप लोगों को सबसे बड़ा काम करने का जीवन में, जो अपने परिवार कोई भी हो यूपी बिहार से कम एक लाख परिवार मॉरिशस गए 200 साल के दरमियान में, 1 लाख बिहार से, 1 लाख बिहार यूपी से, और ये परिवार दो दो आदमी एक एक परिवार में गए, करीब करीब 5 लाख परिवार गए, 5 लाख और उसमें 2 लाख परिवार, 2 लाख परिवार से 5 लाख हुआ, और उन लोगों को कैसे मिलाना है, ये सबसे बड़ा काम हम लोगों को होगा। सभी यूपी बिहार को डील करके, गवर्नमेंट अपना है, चीफ मिनिस्टर अपना है, वो तैयार है मदद करने का, भोजपुरी अकादमी बना दिया है, वो मिल करके हम लोग यूपी बिहार और मिल करके मॉरिशस के साथ हम लोग प्रवासी भवन बनावें, और उसके साथ 10-15 कमरा करें और सभी से मिलावें, और असली काम एक बार मिला देंगे, 7-8 महीने 4 साल 11-5 साल कितना मिलाकर सबसे बड़ा टूरिज्म होगा, खून का टूरिज्म। मैं चाहता हूँ यहाँ पर सभी परिवार जो यहाँ से गए उसका परिवार मॉरिशस में हो, और मॉरिशस के जो अपने भोजपुरिया सभी आके यूपी बिहार में परिवार से मिले, और उसके बाद में चाइना, क्या चाइना आपके पीछे सबसे बड़ा इकोनॉमी, सबसे बड़ा पैट्रियोटिज्म होगा कि यहाँ का चीज मॉरिशस में जावे, मॉरिशस के चीज यहाँ पर आवे, सबसे बड़ा खर्चा होगा, इकोनॉमी होगा, सोशियो कल्चर तो होगा, संस्कृति सभ्यता तो रहेगा, इस पर जो डाउट हम लोग तो बहुत ही पूछेंगे, अब मॉरिशस में पूछेंगे किसी भोजपुरिया से जो यूपी बिहार से गए, आप चोखा रोटी जानते हैं, नहीं जानते, भूल गए, लेकिन सिर्फ दाल पूरी जानते हैं, वो नमूना है, कितनी चीज बिछड़ गए, इनटेंजिबल हेरिटेज और टेंजिबल हेरिटेज फिर से मिलाना है, छोड़ना है, ये सबसे बड़ा काम होगा, और वही उसी से बरकत होगा, जब परिवार मिल जाएगा, जब परिवार मिले दोनों तरफ से तब भी बरकत होगा, और मैं चाहता हूँ वो हो सकता है, कोई रोक नहीं सकता। जैसे प्राइम मिनिस्टर आपका मिला है भारत में, मोदी जी हम लोगों का जो इज्जत या प्रवासी भारतीय लोगों का किसी प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिला, हम मुझे सिटीजन ऑफ इंडिया बना दिया, सिटीजन ऑफ इंडिया मेरा पासपोर्ट जो है, एक है भारत का, एक सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं हाई कमिश्नर हूँ मॉरिशस का, लेकिन मैं भारत में रह सकता हूँ, बने कोई मुझे बाहर नहीं निकाल सकता, ये है सिटीजन ऑफ इंडिया, धंधा कर सकता हूँ, बिजनेस कर सकता हूँ, सब चीज कर सकता हूँ, ये है आपका मोदी जी ने हम लोगों को दिया, जो हम लोग प्रवासी अलग करते थे, पहले हिसाब नहीं करते थे, यहाँ पर देश में भी प्राइम मिनिस्टर रहा पहले,
जब पूछते थे अरे ये लोग तो मुझसे चले गए, फिजी चले गए श्रीडा, तो वो कहा वहाँ का सिटीजनशिप गया, विदाउट गारंटी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। युकाटा में कितना अन्याय हुआ, फिजी में कितना अन्याय हुआ, वो समझ लगा। लेकिन अभी मोदी जी कोई अपना भारतीय एक कोई उंगली गड़बड़ हो उद्देश्य में तुरंत उसके अंबेसडर को बुलाकर वो ठीक करता है, उसका मिनिस्टर भी ठीक करता है। ये आपका प्राइम मिनिस्टर सबको इज्जत देता है और सब भारतीय लोगों का इज्जत दे रहे हैं, और हम लोग को गवर्नमेंट अपना कानून बना रहे, हम लोग मिले सिर्फ बोले नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप काम करें, मिले परिवार को मिलावे, अपने दिल में रखो कि अपना परिवार को मिलाना है। क्या कमी है, जब भोजपुरिया यूपी बिहार से जाकर सारा नंबर वन मॉरिशस हो गया अफ्रीका में, 50 देश में GDP पर कैपिटा करीब करीब $10,000 पर कैपिटा, बोलो कौन सी देश है एशिया में भी, कौन कितने देश है। जब मॉरिशस इतना ऊंचा बन गया, फिल्म में देखा बोलो इन्वेस्टमेंट की तरफ से वो फिल्म देखा है आपको, क्या हो गया है तो क्या नहीं हो सकता। अरे मॉरिशस कैसा जगह हो गया कि आप पैसा कमाना है आओ मॉरिशस, बेस रखो आपको 1 बिलियन पॉपुलेशन अफ्रीका में तैयार है, फ्री पोर्ट, मॉरिशस एक ही देश है जहाँ पर फ्री पोर्ट है, मॉरिशस में आओ आपको 40% फ्री टैक्स नहीं होगा और वहाँ से सभी 50 देश में पैसा कमा सकते हो, और वो तैयार है, मदद वो तैयार है आपको लेने के लिए, क्योंकि जो टेक्निक है, जो हेल्थ सर्विसेज है, जो आपको हाई सुपर स्पेशलिटी है मेडिकल केयर में, वो अफ्रीका में नहीं है, वो चाहते हैं कि आप लोग करें। और आपका घर तो सब कुछ है, क्या कमी है, हाईटेक मशीन में क्या कमी है, भारत सब कुछ है, तो आप लोग कर सकते हैं, आगे आओ, आपको पोटेंशियल सेवा करूँ, और सेवा में मेवा होता है, सेवा करके जब ना पैसा होगा उन्नति, तो परिवार से नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, जो पिछड़ गए यही नहीं कह रहे हैं। तो मेरा ज्यादा समय नहीं देखे, मेरा मुख्य यही था कि हम लोग मिले, रात दिन सोचे, परिवार से मिले, आपका चीफ मिनिस्टर दोनों तरफ से मिलकर अपना दोनों प्राइम मिनिस्टर से सभी इन्फॉर्मेशन जो लिखो, जो बात दे देंगे मॉरिशस को यहाँ पर लाओ, आपका चीफ मिनिस्टर लेटर लिखे वहाँ पर बिहार का यूपी से, हम लोग भी वो अपने भी लिखे यहाँ पर कहाँ से है, दोनों मिल करके मिलन हो जाएगा तो आप गरीब नहीं रहेंगे। मैं चाहता हूँ जब मॉरिशस अपना छोटा गांव शहर हो गया है, शहर से नमूना तो बिहार यूपी भी क्यों, यहाँ पर स्मॉल विलेज ना हो वो करना है, लेकिन आना आन जान प्रदान हो तभी हो सकता है। तो उचित है कि आप लोग रहे यहाँ, इतना संजय भाई आ गए, मॉरिशस को कितना मदद किया 50 साल से है, सभी क्षेत्र में इकोनॉमिकल सोशल पॉलिटिकल सभी क्षेत्र में, और यहाँ पर मनोज है तो ये तो असली अम्बेसडर है भोजपुरिया का। आज बहुत खुशी की बात है कि आज यहाँ पर सबसे भोजपुरी का जो मैसेज किया, कीर्तन जो भजन सब राग जो रखा, जो संस्कृति को जीवित रखा है, सिर्फ भारत में नहीं मॉरिशस फिजी में होलैंड में भी, उनका आज अपनी संस्था की तरफ से विश्व प्रवासी भारतीय की तरफ से हम लोग उसको भोजपुरी माई का मूर्ति दिया, यहाँ पर सभी लोग आरती किया भोजपुरी माई का, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये भोजपुरी माई के नाम से एक बनकर आप बहुत क्रांति ला सकते, अपना अपना जो है अपना डॉक्टर ए.के. सिंह जी, ये सब ऑर्गेनाइज करना, मेहनत करना, सोचना खुद कम डॉक्टर या आदमी ऐसा कर सकता है, ये सब देखो इतना सुंदर हुआ, मैं क्या कहूँ, थोड़ा बातचीत किया असली का।